गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल हिमाचली राइडर्स। सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो, लेट मी शेयर वन स्टोरी। और इस स्टोरी को समझने के लिए आप सभी को जाना पड़ेगा एक साल पीछे। एक लड़का था यार, और उसे काफ़ी शौक था कि वो कुछ फिल्मी सीन बनाए, बिकॉज वो ऑब्सेस था बॉलीवुड से। तो उसने एक दिन अपना कैमरा उठाया और कुछ शूट किया जो कि इतना रेलेवेंट था नहीं, बट उसको करनी थी वो चीज़। और उसने वो कैमरे पे शूट किया और देन वो उसे थोड़ा सा यार अच्छा बनाने के लिए उसको एडिट करना चाहता था। तो एडिटिंग के लिए उसने गूगल बाबा को निकाला और गूगल में सर्च किया। Adobe Premiere Pro, he doesn't know even a word about Adobe। उसने पहले कुछ भी नहीं सुना था उसके रिलेटेड, बट उसे विश्वास था यार कि जो पहले नंबर पे होगा ना, वो उसके लिए लकी सॉफ्टवेयर होने वाला है। तो उसने सॉफ्टवेयर विदाउट एनी नॉलेज डाउनलोड कर लिया और वो उसे सीखने के लिए जुट गया पूरे यार अपने हार्डवर्क के साथ। और जो ये मैं कहानी सुना रहा हूँ आप सभी को, इस कहानी में जो वो लड़का था वो मैं या कोई तीसरा लड़का नहीं, वो आप सभी हो जो कि परस्यू करना चाह रहे हो यार फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री और व्लॉगिंग इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो। तो यार मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जाए जो कि आप सभी को भी हेल्प कर सके आपके टाइम पे जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो। और जिसने मुझे भी मदद की थी इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए, जो कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत आसानी होगी यार कि मेरी वीडियोस देखकर आप एडिटिंग सीखोगे। तो अब मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यार, एक एडोब प्रीमियर प्रो की एक सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम पास्ट वन ईयर एंड आई कैन एंश्योर यू गाइस दिस सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन दिस इंडस्ट्री। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना बी शोइंग यू हाउ टू मेक योर रॉ क्लिप, जो कि आपने कैमरे से शूट किया है बिल्कुल रॉ, उसे एक एपिक क्लिप में कैसे चेंज करें, एक सिनेमैटिक लुक कैसे दे उसे। सो फर्स्ट आई एम गोना बी शोइंग यू द रॉ क्लिप जो कि ये है। इजंट दिस बोरिंग क्लिप? एब्सोल्युटली मेरे लिए तो ये बिल्कुल बोरिंग क्लिप है। ना ही इसमें म्यूजिक यूज हुआ है, ना ही कोई कलर करेक्शन हुई है और ना ही इफेक्ट्स यूज हुए हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी क्लिप एपिक क्लिप और एक सिनेमैटिक लुक देना हो तो यार तीन चीज़ें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जो चीज़ है वो है स्टेबलाइजेशन। विदाउट स्टेबलाइजेशन आपकी कोई भी क्लिप एक सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और सेकेंड थिंग जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन आपकी जो वीडियो को है वो बिगाड़ भी सकता है और अनदर लेवल पे भी ले जा सकता है। तो कलर करेक्शन में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, बहुत हल्के से यूज़ करना, पहले ही एकदम कलर करेक्शन के मोड में चले जाना, बिल्कुल हल्का हल्का एक्सपोजर और ब्राइटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देना। और थर्ड थिंग जो मैं करता हूँ यार वो है कुछ इफेक्ट्स, जो कि ट्रांजिशन प्लस क्रॉप इफेक्ट होता है जो कि कुछ ऐसे आता है। तो आप देखते हैं वो वाली क्लिप जो कि मैंने एडिट कर दी है और विद म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक आपकी वीडियो को इतना ऊपर भी ले जा सकता है और बिल्कुल डाउन भी गिरा सकता है। तो यार वाइजली यूज करना म्यूजिक। सो लेट्स सी द एडिटेड वन वीडियो। Alright guys, so now you have seen both of the clips, edited one or without edited. So आपको यार काफी ज्यादा डिफरेंस दिखा होगा दोनों क्लिप के बीच में। सो नाउ लेट्स जंप इन टू द Adobe Premiere Pro और लेट्स सी हाउ आई हैव डन ऑल दिस इफेक्ट्स। और आप सभी भी कैसे कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट्स, विद द जीरो एफर्ट्स इजिली। सो लेट्स जंप इन टू दिस। सो
आई एम करेंटली यूजिंग Adobe प्रीमियर प्रो CC 2017। सो जैसे कि हम देख ही सकते हैं यार कि यहाँ पे कुछ पैनल्स बने हुए हैं और इन पैनल्स का काम मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा जैसे कि मैं एडिट करता जाऊँगा वीडियोस को। दिस इज़ अ इनिशियल पैनल, ये पैनल है जहाँ पे आप देख सकते हो एडिटिंग जो आपकी हो चुकी है कि जो इफ़ेक्ट्स है वो क्या क्या और कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स जो है वो शो हो रहे हैं। और ये है सीक्वेंस पैनल, यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस क्लिप्स का सीक्वेंस बनेगा एक। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये है एक फोल्डर जिसमें कि मैंने सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली है। दीज टू क्लिप्स आर द बेसिक क्लिप्स और ये है कुछ साउंड इफेक्ट्स, वूश साउंड इफेक्ट्स और ये है सॉन्ग। सो लेट्स फर्स्ट ड्रैग द फर्स्ट वीडियो और इसे ट्रैक करते हैं सीक्वेंस में और लेट्स चेक इट आउट दिस वीडियो फर्स्ट। पहले से चेक करते हैं, यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, तो यहाँ से जो है हमें इसे स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है। सो लेट्स टेक द रेजर टूल एंड लेट्स कट इट आउट दिस वीडियो फ्रॉम हेयर, कट एंड लेट्स शिफ्ट दिस आउट। अब देखते हैं स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है इसके बाद भी। सो नाउ वी वॉन्ट टू स्टेबल दिस वीडियो आउट, ये थोड़ी बहुत शेकी है जो कि अच्छी नहीं लगेगी बाद में। सो फर्स्ट गो टू इफेक्ट्स पैनल, टाइप हेयर वॉप स्टेबलाइजर, वॉप स्टेबलाइजर और टेक दिस इफेक्ट इनटू द वीडियो इटसेल्फ। सो ये जो वॉप स्टेबलाइजर है ये कुछ टाइम लगता है स्टेबलाइजर को इस वीडियो क्लिप पे फुली लोड होने में। हमारा जो वॉप स्टेबलाइजर है वो कम्प्लीटली लग चुका है अपने क्लिप पे। सो अब देखते हैं यार आफ्टर वॉप स्टेबलाइजर। सो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है अपनी वीडियो। सो इट्स द टाइम फॉर नेक्स्ट क्लिप, नेक्स्ट क्लिप को ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट क्लिप हमारी है पैराग्लाइडर की और लेट्स चेक इट आउट नेक्स्ट क्लिप। और जो क्लिप है वो काफी ज्यादा अच्छी है बट एक चीज इसमें जो है आपको अच्छी नहीं लगेगी वो है ट्रांजिशन, बिकॉज मैंने कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, तो एब्रप्ट सा लग रहा है। तो हम इसमें भी कुछ ना कुछ अभी जरूर करेंगे। सो यहाँ से कट कर देते हैं यार इसे वीडियो को लास्ट में और जो इसको ड्रैग कर देते हैं इसलिए। सो ये भी मूव कर रही है राइट के लिए और ये दोनों क्लिप मैंने इसलिए चूज की बिकॉज ये जो क्लिप है एक क्लिप लेफ्ट के लिए मूव कर रही है और देन ये क्लिप भी मूविंग क्लिप है, तो दोनों जो कि दोनों मूविंग क्लिप होनी चाहिए तभी एक ट्रांजिशन जो इसमें मैं डालने वाला हूँ अभी वो अच्छा लगेगा। इसमें जो ट्रांजिशन मैं यूज़ करने वाला हूँ इन दो क्लिप्स के बीच वो ट्रांजिशन जो है बिल्कुल सिंपल होने वाला है और जो सिंपल ट्रांजिशन है वो है जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड अप्लाई द डिफॉल्ट ट्रांजिशन। बिकॉज मैं कोई ज़्यादा भारी सा ट्रांजिशन अभी नहीं डालना चाह रहा बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा यार आपको शो करने के लिए, तो मैंने बिल्कुल डिफॉल्ट ट्रांजिशन डाल दिया है और लेट्स सी नाउ बिल्कुल स्मूथली ये ट्रांजिट हुआ वन क्लिप से अनदर क्लिप में। देखो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन थी और अगर आपको ऑडियो और वीडियो को जो है अनलिंक करना हो तो लेफ्ट क्लिक एंड अनलिंक एंड देन कट इट आउट बिकॉज आई डोंट नीड द ऑडियो राइट नाउ बिकॉज आई एम गोना बी यूजिंग अ सॉन्ग फॉर दिस क्लिप। सो लेट्स गो टू प्रोजेक्ट, फोल्डर ओपन करते हैं एंड जो सॉन्ग मैंने चूज किया है उस सॉन्ग को एक पैनल पे लाते हैं। लेट्स हियर आउट द सॉन्ग फर्स्ट। मैंने ये सॉन्ग इसलिए चूज किया बिकॉज ये सॉन्ग जो है काफी स्मूथ है और मेरी जो क्लिप है वो भी काफी स्लो है तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। सो लेट्स ड्रैग दिस सॉन्ग आउट एंड आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी यार
ये जो स्टार्टिंग होगी सॉन्ग की वो एकदम इतने ज़्यादा साउंड में नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट कर यहाँ पर क्रिएट करेंगे और एक पॉइंट को डाउन ले आएंगे ताकि ये जो साउंड है ये कुछ ऐसे हो, साउंड है वो कुछ स्मूथली इंक्रीज हो. नाउ व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेबलाइजेशन यूज़ कर लिया और म्यूज़िक ऐड कर लिया. अब जो एक चीज़ है वो है क्रॉप इफेक्ट. क्रॉप इफेक्ट क्या होता है तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको. देखो क्रॉप इफेक्ट, आप अगर आपको पूरी दोनों क्लिप में ये साथ डालना हो तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट करो और दोनों को नेस्ट कर दो. जैसे ही आप नेस्ट करोगे तो ये एक क्लिप बन जाएगी और नेस्ट करने के बाद इस क्रॉप इफेक्ट को यहाँ पे डाल दो और इफेक्ट्स पे आ जाओ. इफेक्ट में आने के बाद आपको क्या चाहिए कि यहाँ से और यहाँ से ब्लैक ब्लैक बार आ जाए ताकि वो एक सिनेमैटिक सा लुक दे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे क्लिप की और टॉप एंड बॉटम हमें जो है बार्स चाहिए, और स्टार्टिंग में हमें ज़ीरो चाहिए और कुछ देर के बाद जो मुझे पसंद है वो है 8. ये आप पे डिपेंड कर सकता है कि आपको क्या सूट करता है, कई लोग 12 भी रखते हैं, मुझे 8 पसंद है. 8 के बाद हम लास्ट पे जाएंगे और लास्ट से थोड़ा सा पहले 8 यहाँ पे भी और 8 यहाँ पे भी. और अब जाएंगे लास्ट में, बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट में जहाँ पे हमें बिल्कुल भी बार नहीं चाहिए बिकॉज वो कैजुअली हमें डिक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए. सो 0 एंड 0 है ऑल्सो. सो लेट्स सी अभी तक हमने कितना काम किया इस पर. ये देखो बार आ गई और ये बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ पे ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ, डिफॉल्ट ट्रांजिशन. एंड लास्ट में जाके देखना ये पॉज अपने आप ही जो है एकदम गायब. सो हमारा 90% काम जो है ख़त्म हो चुका है, बट लास्ट जो चीज़ बचती है वो है कलर करेक्शन. कलर करेक्शन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कलर करेक्शन कैसे करते हैं, बट फॉर नाउ फॉर दिस क्लिप ओनली व्हाट आई एम गोना बी यूजिंग इज लट्स. लट्स जो होते हैं वो लुकअप टेबल्स होते हैं और लुकअप टेबल्स कलर करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं. अगर आपको जल्दी से जल्दी जो करना हो या फिर आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं लुकअप टेबल्स. यहाँ पे देख सकते हो ला एक छुपी हुई सी चीज़ है, लुमेट्रिक कलर्स. यहाँ पे इनपुट लट्स में मेरे पास कुछ लट्स पहले से सेव है, तो लेट्स चेक इट आउट कौन सा इस पर लट जो है अच्छा लगता है. ये तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया. दिस इज लुकिंग लिटिल बिट गुड बिकॉज कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी हद तक ये अच्छा लग रहा है. और अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना हो इसे तो आप ये जो सेटिंग्स हैं इनको चेंज कर सकते हो. मुझे इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो इंटेंसिटी थोड़ी सी जो मैं कम कर दूँगा. तो लेट्स सेव दिस एंड हमारी जो क्लिप है वो पूरी तरह से तैयार है. गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाकर बिल्कुल झिझक के साथ मत लिखना, विदाउट झिझक लिख देना. और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और ट्रैवल सीरीज के साथ और मे बी ट्यूटोरियल के साथ. टिल देन बी डिफरेंट, बी यूनिक. दिस इज अजय शर्मा, विल मीट यू गाइज ऑन आवर नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन पीस आउट. मिलो बाद में, मिलो.